माँ के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। तो ये राजकुमारी पद्मजा हैं? हाँ माँ, तुम्हारी पुत्र वधू। नहीं, ना ये तेरी वधू हो सकती है और ना ही मेरी पुत्र वधू। ये जानते हुए भी कि इससे विवाह करने वाला काल का ग्रास होगा, तू इसे विवाह करके यहाँ ले आया है? तूने अपनी माता पिता की चिंता न करके स्वयं मृत्यु का वरण किया है वृषध्वज, मृत्यु का वरण। माँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, शिव आराधना से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कह तो मैं भी चुकी हूँ, यदि शिव जी की कृपा होती तो ये बाधा आती ही क्यों? नहीं नहीं पुत्र, तूने अपनी माँ का हृदय पीड़ित किया है, ये उचित नहीं किया पुत्र, ये तूने उचित नहीं किया। और तू मेरी पुत्र वधू बनने की इच्छा से तूने मेरे और मेरे पुत्र के प्राण संकट में डाल दिए हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तू मेरे पुत्र का बलिदान लेना चाहती है? पर कब तक? यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा तो तू भी सधवा नहीं रहेगी। क्या प्राप्त हुआ तुझे और क्या प्राप्त होगा? क्या सुख मिलेगा तुझे माँ और पुत्र की बलि लेकर? माँ, मुझ पर मिथ्या आरोप ना लगाएं। माँ, जो आप कह रही हैं वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात मैं असत्य कह रही हूँ। क्या ये सत्य नहीं है कि जो पुरुष तुझे देखेगा वो एक वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होगा? क्या ये अप्रिय सत्य तेरे सिर पर नहीं बैठा है? क्या तू अभिशापित सही है, बोल। तो इसमें मेरा क्या दोष है माँ? किंतु स्वार्थवश मैंने आपके पुत्र से विवाह किया है, ये सत्य नहीं है माँ, ये सत्य नहीं है। पर तूने इससे विवाह क्यों किया? क्या इसके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं था तेरे भाग्य में? एक यही शेष रह गया था तुझसे विवाह करने के लिए? शांत हो जाओ माँ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी, पर तू मौन हो जा, बोल मत। माँ, तुम विवाह का सारा दोष पद्मजा पर क्यों डाल रही हो? जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा से ही हुआ, ये निर्दोष है। तुम दोनों ही निर्दोष हो, दोष तो सारा मेरा ही है। मैंने ही बालपन से तेरे सब हठ पूरे किए और तू हठ धर्मी हो गए। मेरी ममता और मोह का तूने अनुचित लाभ उठाया है वृषध्वज। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा अपना ही पुत्र मेरी ही इच्छा के विरुद्ध विवाह करके अपने ही प्राणों का शत्रु बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अब माँ को बहलाने और भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध हट करके विवाह किया, इसकी पीड़ा तो मैं सह रही हूँ और सहती ही रहूंगी, किंतु मेरे सम्मुख तेरे प्राणों पर संकट आए ये मैं कभी सह नहीं सकूंगी। जगत की कोई माँ नहीं सह सकती, इसलिए अब तुम दोनों मुझ पर दया करो और ये स्थान, ये महल, ये राज्य त्याग कर कहीं और चले जाओ। हम कहाँ जाएंगे माँ? कहीं भी चले जाओ, पर यहां से मेरी दृष्टि से
मेरी माया ममता से दूर चले जाओ। तुम्हारा जो भी परिणाम हो वो मेरे सामने नहीं, उससे दूर ही हो तो अच्छा। तुम हमारा बहिष्कार कर रही हो माँ। बहिष्कार समझो अथवा निष्कासन, पर यहां से दूर चले जाओ। माँ, अभिशापित मैं हूं, मेरे दोष का दंड आपके पुत्र क्यों पाए? मैं अकेली ही यहां से चली जाती हूं, अपने पुत्र को आप यहीं रहने दें। नहीं पद्मजा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कैसा अभिशाप और कैसा दंड! दोष न तुम्हारा है और न मेरा, ये सब तो पूर्व जन्म का ही फल है। यदि हम पूर्व जन्म में साथ रहें तो उसका फल भोगने के लिए इस जन्म में भी हम साथ ही रहेंगे। नहीं राजकुमार, नहीं, अपनी माँ का हृदय दुखी ना करो। और मेरे मन के दुख को ना तुम मिटा सकती हो और ना ही विधाता। जिस प्रकार से तुम दोनों ने विवाह करके जन जन्मांतर तक साथ रहने का निश्चय किया है, उसी प्रकार से दुख से मेरा विवाह हो गया है। अब वो मृत्यु पर्यंत मेरे साथ रहेगा। जाओ तुम दोनों, चले जाओ। किंतु माँ, मैंने कहा ना, मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती। चले जाओ, दोनों चले जाओ यहां से। सेनापति प्रसन्न जी को राजकुमारी पद्मजा को खोजने के लिए भेजा था, किंतु अब हमें दोनों को ही खोजना पड़ रहा है। आओ। अब क्या होगा और अब कहां जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ही जाने, अब क्या होगा और हम कहां जाएंगे? पद्मजान! पिताजी क्रोध में है, शीघ्र चलो। हमारे रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट! नहीं पिताजी, नहीं। महाराज, मैं प्रस्तुत हूँ। पद्मजा
हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, आपने वृषध्वज, पद्मजा और उनके माता पिता की ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ली? भोलेनाथ, आपका प्रयोजन क्या था? आपका नाम स्मरण करने वाले आपके भक्तों की ऐसी भी दशा हो सकती है, ये मानने के लिए मन मानता ही नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ की ऐसी ही विचित्र लीलाएं देख देख कर मैं भी आश्चर्यचकित होती रहती हूँ। नारद, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो समर्पित भाव से भक्ति करते हैं वे ही अधिक दुखी होते हैं। देवी पार्वती, सामान्य जन जो सत्य से परे होते हैं यदि ऐसा कहें तो आश्चर्य नहीं होता, किंतु तुम जो साक्षात शक्ति का अवतार हो और कर्म की गति का गणित भली भांति जानती हो, जब ऐसा कहती हो तो आश्चर्य होता है। विवाह से पूर्व हमने तुम्हारी कैसी कठोर परीक्षाएं ली, उन कठोर परीक्षाओं के समक्ष ये घटनाएं तो अत्यंत साधारण है। स्वामी, आप तो अत्यंत सहज होकर परीक्षा लेते हैं, किंतु जो परीक्षा देते हैं उनकी स्थिति तो विकट ही हो जाती है। सो तो है देवी, शव से शिव तक की यात्रा कठिन तो है, किंतु पूर्ण होने पर परमानंद की प्राप्ति भी तो होती है। जन साधारण को इन परीक्षाओं का लाभ ही होता है, उन्हें शिक्षा मिलती है और वो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि घोर विपत्ति में भी प्राणी को धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भक्त कठोर परिस्थितियों में धैर्य और आस्था पर दृढ़ता पूर्वक टिका रहता है उसे शिवत्व प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। किंतु भगवान, वृषध्वज और पद्मजा को धैर्य के लिए अवकाश ही कहां मिल पाया, उन्हें तो ये परीक्षा प्राणों का त्याग करके ही देनी पड़ी। यही तो उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ नारद, अन्यथा आज तुम उन्हें यहाँ शिवलोक में शिवगण के रूप में नहीं देख सकते थे। हे महेश्वर, आपने अचानक ही कणप की करुण कथा को उसकी अंतिम परिणीति तक पहुंचा दिया, किंतु हम तो वृषध्वज, पद्मजा, चित्रकार सुश्वेत और कनेरी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हैं। कृपया कर आप हमें उनके विषय में बताएं। चित्रकार सुश्वेत अपने प्रिय और अभिन्न मित्रों वृषध्वज और पद्मजा का करुण अंत देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उन दोनों ने भी अगले जन्म में अपने प्रिय मित्रों का ही अनुसरण किया। राजकुमार वृषध्वज ने नीलगिरी पर्वत के वनों में भील प्रधान शिवप्पा के पुत्र कणप के रूप में जन्म लिया और पद्मजा उसी वन में एक साधारण भील बल्लाल की पुत्री वेणी बनकर प्रकट हुए। संयोगवश ये वन महाराज पद्मनाभ के राज्य की सीमा में ही था। ये तो बताए प्रभु कि चित्रकार सुश्वेत और कनेरी का क्या हुआ? नारद, तुम इन दोनों के साथ उन दोनों के होने की कल्पना कर रहे हो? स्वाभाविक है भोलेनाथ, स्वाभाविक है। आपने अब तक की कथा में इनका जो अटूट प्रेम नाता और संबंध स्पष्ट किया है उसके आधार पर तो इन चारों का साथ होना स्वाभाविक है। आत्मा भी तो अपने प्रिय की ओर ही आकर्षित होती है और उसे भी आकर्षित करती है। सत्य कहा तुमने नारद, आत्मा को जब आत्मा की पहचान हो जाती है तभी वो परमात्मा को पहचान सकती है। जो आत्मा अन्य आत्मा को न पहचान कर परमात्मा तक पहुंचना चाहे तो उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भोलेनाथ, कृपया कर अपने इस कथन को तनिक सरल करें। सरल और लोक भाषा में यही कहा जा सकता है नारद कि यदि प्राणी प्राणी से प्रेम नहीं कर सकता तो वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा। परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्राणी को प्राणी तक पहुंचना होता है।
वृषध्वज शिव भक्त था, किंतु वो पद्मजा और मित्र सुश्वेत से भी प्रेम करता था। इतना प्रेम कि अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की उसने। सुश्वेत भी वृषध्वज और कनेरी को अंतर मन से प्रेम करता था। प्रेम की इस पराकाष्ठा ने ही इन चारों को पुनः अगले जन्म में मिला दिया। विधाता को ऐसा करना ही पड़ा। समर्पित प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण ही वृषध्वज और पद्मजा जन्मों का घेरा फेरा तोड़कर यहां शिवधाम तक आ सके। तात्पर्य यही है ना कि परमात्मा की कृपा और प्रेम उन्हीं प्राणियों को प्राप्त होता है जो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। यदि संपूर्ण जगत इस सरल सत्य को मान ले, जान ले और व्यवहार में पूर्ण करने की बात ठान ले, तो फिर प्रभु स्वर्ग पृथ्वी से कितना दूर रह जाएगा। तुम भावना की भाषा बोलने लगे नारद, अब इसी बात को तनिक व्यवहार की भाषा में कह के बताओ। प्राणी को शिवधाम की प्राप्ति के लिए अनन्य शिव भक्ति और शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना आवश्यक है। इसी समर्पण और प्रेम के पराकाष्ठा के आधार पर ही सुश्वेत, कणप का भील मित्र अंजैया और कनेरी, भील पुत्री वेणी की सखी देसिया के रूप में जन्मी। इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा हुए, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था।